और कितना दुखाओगी एट द रेट चाय की दीवानी बड़कन्नी जिज्जी। सो फ्रेंड्स, ये टाइटल है छुटकन्नी जिज्जी का। ओ माय गॉड, अरे जिज्जी, हम लोगों ने तो सोचा था कि तुम कुछ तड़कता भड़कता, वही जैसे तांडव लाइफ किया था वैसे आओगी, लेकिन लाइफ तो छोड़ो, जिज्जी ने आज बहुत ही थोड़े में ही वीडियो खत्म किया। भाई, अत्याचारी अगर सास हो, ससुराल हो, और पति हो, ननद हो, रिश्तेदार हो, तो भयंकर लाइव होते हैं, तांडव लाइव होते हैं, आ आके बहुत कुछ बोला जाता है। लेकिन आज जिज्जी ने और कितना दुखाओगी बस ये बोल के खत्म कर दिया। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। आई होप आप लोग मज़े में होंगे और वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग से ही वीडियो जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज मेरी तबीयत कल से थोड़ा बेटर है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर जिज्जी ने और कितना दुखाओगी एट द रेट लिखा है, और उधर जो बड़ीकन्नी जिज्जी है, 24 घंटे सिर्फ एट द रेट लिव लाइफ विद छुटकन्नी जिज्जी। तो दोनों को टैग कर, दोनों सिस्टर्स एक दूसरे को टैग कर रही है। भैया, आने वाले टाइम पे टैग टैग चलते रहेंगे। भैया, इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, बड़कन्नी यूट्यूबर के सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनको टैग करना पड़ रहा है। छुटकन्नी मतलब जो छोटी जिज्जी है। तो यहाँ पे सिर्फ और कितना दुखाओगी करके जिज्जी ने बोली है। बाकी चलिए मैं बताती हूँ आज की वीडियो में क्या हुआ है। उधर 24 घंटे सिर्फ उसमें क्या है, उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको यही बता देती हूँ कि बड़कन्नी जिज्जी ने भी बोला है कि 24 घंटे दो मुझे, कल मैंने 3 बजे तड़के डाला है, तो कुछ मुझे टाइम दो डिसीजन लेने के लिए। बाकी लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम अपना चैनल डिलीट कर दो, और छुटकन्नी जिज्जी तुम्हारा ये चैनल जो चाय की दीवानी है वो नहीं लेगी, तुम कर रही हो नाटक। बाकी जिज्जी कह रहे हैं कि अगर मुझे ये नाटक करना होता तो मैं अभी ही क्यों करती। फिर जिज्जी ने कुछ चीज़ें यहाँ पे बोली हैं कि आप लोग कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैं तो हमेशा किसी का, अपने भाई बहनों का मैंने अच्छा ही करना चाहा। अच्छा, वैसे एक बात और, इन्होंने पहले अपने वीडियो में ये बोला था कि मैंने आज तक बस करा ही है, इन लोगों से कुछ भी नहीं लिया है। अरे जी, कितना बड़ा झूठ बोल रही हो। इतना ज़्यादा जब जो जितनी भी यूट्यूब इनकम होती है उसका मैक्सिमम शेयर तो आप ही लेते हो। हाँ, स्क्रीनशॉट्स जो हमने देखे हैं उससे और पता चल गया, 16 लाख। अरे जी, इतने बड़े बड़े झूठ ना ही बोलो। और कि वो तो करना ही नहीं चाहती थी मेरी छुटकन्नी बहन, वो तो किसी स्कूल में, कोई बचपन स्कूल था, वहाँ इंटरव्यू देकर आई थी, ठीक है, और वो तो वहाँ पे जॉब करना चाहती थी। मेरी जब एक दो सैलरी आ गई थी तब उसको भैया समझ आया कि हाँ भैया, यूट्यूब में सैलरी आती भी है, तब उसने काम करना शुरू किया। और मेरे भाई का चैनल तो पहले से था। बाकी कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि तुम उसको यहाँ पे बुला लो। अच्छी, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन सारी बात नहीं मानूंगी वरना मैं पपेट हो जाऊंगी। बाकी जिज्जी पिछले वीडियो में फिर क्यों पूछ रही थी सब्सक्राइबर से मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए, है ना, नीचे मुझे कमेंट करिए क्या मेरे को करना चाहिए, मुझे अपना चैनल उसको देना चाहिए। बाकी जिज्जी, हमने जैसे पहले बोला था, छुटकन्नी जिज्जी के दोनों चैनल बराबर दिख रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर एड भी चल रहे हैं, मोनेटाइज चैनल, तो वहाँ पे और यहाँ पे जो आप कह रही हो ना चैनल, अगर वो नहीं लेगी तो जिज्जी आप 0 से स्टार्ट करो, इस चैनल को कर दो डिलीट, ठीक है। इस चैनल पे मेरा एक डिटेल वीडियो आएगा इस वीडियो के बाद, जो बड़कन्नी जिज्जी ने 24 घंटे सिर्फ, इसके अलावा आज पूरे दिन इन्होंने वैक्यूम वैक्यूम किया, कारों के वैक्यूम से अपनी गाड़ी साफ करी, हाउस हेल्पर को ले गई है, ठीक है। आज आधे से ज्यादा वीडियो उनका वही अगारो का प्रमोशन करते हुए। बाकी जिज्जी कह रही दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे छुटकन्नी जिज्जी की, तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। जिज्जी ने स्टार्ट किया है गुड मॉर्निंग बोलते हुए, अपना वीडियो शुरू किया है इन्होंने। और फिर इन्होंने पुरानी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा ना, वो बिच्छू है ना, बिच्छू, वैसे लोग कह रहे थे आप बिच्छू से क्यों डर गई जिज्जी, बिच्छू के जहर से। आपके अंदर जो जहर है भाई, वो तो बिच्छू के जहर से ज्यादा ही है, तो आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग आपको भैया जिज्जी नागिन नागिन भी कर रहे हैं, भैया आपका नाम भी रख दिया गया है, तो क्या ही बोले। बाकी कह रही थी कि आजकल, पहले वाले घर में तो हमारी ये आम बात थी, मतलब सांप बिच्छू दिख जाते थे, लेकिन अभी मौसम भी बहुत ह्यूमिडिटी का हो गया है, तो कल हमें दिखा था, बहुत मुझे रात में टेंशन हो गई थी। वैसे हमारे घर में कभी आए नहीं है, लेकिन देख कर थोड़ा डर लगता है ना कि अगर पैर पड़ गया तो, इससे थोड़ी सी घबराहट होती है। बाकी भगवान, इन्होंने बोला कि मेरी दादी कहती है कि इनके मुंह पे ताला लगा होता है, जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती है ये किसी को डंक नहीं मारते हैं। अरे भैया जिज्जी, मतलब भगवान की मर्जी, अपनी तरफ से तो बिल्कुल सेफ्टी मेजर्स लेके चलने चाहिए, है ना, बाहर मत जाओ, चप्पल पहन के रहो, बच्चे को ज्यादा मिट्टी में मत खेलने दो, बाहर मत छोड़ो, बच्चे का भी ध्यान रखो। बाकी बच्चे को तो आजकल आपने
दिखाना छोड़ो सुनाना भी बंद कर दिया, थोड़ा बहुत जो उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। सब लोग कह रहे हैं वहाँ पे जो अंकुश छोटा चिच्चा यानी कि उसका फादर है ताकि बिल्कुल ना सुन पाए आवाज़, इसलिए चिच्ची ने ये किया है। उसके बाद चिच्ची ने ये चीज़ें बोली हैं और उसके बाद चिच्ची ने दिखाई है मिक्स वेज की सब्जी जो कि भैया आंटी जी बना के गई है। अब आप लोगों को लगेगा उसमें ऐसे बिल्कुल स्टीम भी आ रहा था जैसे फ्रेशली बिल्कुल बनाई हो, और लोग फिर बाहर का वो दिखा रही थी, गमले दिखा रही थी, ये देखो हमारी तुलसी, आज का वेदर बहुत अच्छा है। कि अब आप लोग बोलेंगे कि मम्मी बना के जाती हैं, चाची भी आती, फिर तुम क्या काम करती हो भाई? मैं भी तो बहुत काम करती हूँ, ऐसा थोड़ी है कि चाची रोज़ आती। चाची तो घर बनने लगा इसलिए चाची को हम बुलाते हैं, इतना काम मैं थोड़ी करूँगी, इतनी मिट्टी मिट्टी बार बार मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है, उसके बाद खाना भी। तो जी जी अब बुलाती है चाची को, तो पीछे से मिक्स वेज और मम्मी अपने शेयर का सारा काम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा काम करके जाती है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने टाइल्स दिखाई हैं, सफ़ेद रंग की टाइल्स आई हैं जो कल जिज्जी ने बोला था कि कल आ जाएंगी, जो भाई भी कह रहा था टाइल्स में ले आया हूँ, कोशिश करी थी दिखाने की लेकिन जिज्जी खोल नहीं पाई थी। खैर बाद में उन्होंने वाइट कलर की टाइल्स हैं वो हमें दिखाई भी है। इसके बाद चाय चाय बना रही हैं, बाहर हमने कपड़े सुखा दिए हैं, धूप अच्छी सी आ गई है, थोड़े अपने रोज़ प्लांट वगैरह दिखा रही है, चाय बनानी स्टार्ट करी है इन्होंने। और मम्मी इनकी जा चुकी है ऑफिस, लेबर्स भी आ गए हैं। बाकी जिज्जी ने आज न्यू चीनी जो ब्राउन शुगर है, सुरेखा नाम था आई थिंक, ट्रस्ट ब्रांड का कुछ था, जिज्जी ने वो सुरेखा या सुरक्षा ऐसा कुछ नाम था, तो उसको जिज्जी डब्बे में डाल रही है साथ साथ। और कह रही है कि जब मैं इसको देखती हूँ पीछे से वॉइस ओवर ऐसे कि भगवान हमारी लाइफ में कितनी भी मुसीबतें लाए लेकिन जब ऐसे डब्बा भरता हुआ देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ पे खुशियाँ भर रहे हैं, है ना, और पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। चाय बनाते हुए जिज्जी ने ये सब दिखाया है। उसके बाद ऊपर का दिखा रही हैं, ठीक है, जो घर का थोड़ा बहुत काम करते हुए। बाकी जो कद्दू कल भाई ने निकाला था खेत से, वो कद्दू कह रही है अपनी चाची जी को देते हुए कि देखो ये कद्दू मम्मी ने बोला था कि मम्मी तुम्हारी जिठानी ने बोला था कि मेरी देवरानी को दे देना। बाकी ऊपर का घर का दिखा रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा चाय का कप पीते हुए अपना घर देखना बनते हुए तो बहुत ही खुशी हो रही है। वैसे लोगों ने कल लिखा था जिज्जी आपका घर नहीं, ये आपकी भाभी का घर बन रहा है, वो बात और है, आपसे बनवाया जा रहा है, आपके पैसों से बनवाया जा रहा है। फिर जिज्जी ने इंस्टाग्राम की रील्स जो कल जिज्जी ने आपको याद है ऊपर कैमरा रख के ऐसे घूम घूम के बनाई थी, तो वो इंस्टाग्राम रील्स अपना इंस्टा आईडी शेयर किया जा रहा है। भाई इंस्टा आईडी पर भी मुझे फॉलो करो, दो चैनल मैंने बना लिए हैं, है ना, इस पर भी अच्छी खासी इनकम आ रही है, मोनेटाइज चैनल है, इसकी इनकम से भी मेरा घर बनेगा और मेरा इंस्टा पर भी मेरे को कमाई करनी है, इंस्टा पर भी मुझे फॉलो करो। उसके बाद आ गई है नीचे और मटर वाले चावल आज जिज्जी ने बनाए हैं। मटर वाले चावल बनाते हुए कह रही हैं आज बने हैं कढ़ाई में, बड़े दिनों बाद बनाए हैं मैंने कढ़ाई में, क्योंकि यूजली मैं कुकर में ही बनाती हूँ और बहुत 10 मिनट हम लोग ऐसे रख देंगे कुकर के गैस बंद करके और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। अच्छा, इसी बीच जिज्जी ने चावल बनाते बनाते एक आई थिंक मिठाई का डब्बा दिखाया है जिसमें बेसन, किसी की शादी का कार्ड आया था तो वो दिखा रही हैं और कह रही हैं कि ये सारी मिठाई आधे से ज़्यादा डब्बा दोस्तों ख़त्म था। बाकी जिज्जी की विटामिन कम हो गए, आपको पता है ना, आयरन कम हो गया, विटामिन कम हो गए, नियासिन सीरम बढ़ गया लीवर का, नियासिन कह रही हूँ फेरेटिन, तो जिज्जी को डॉक्टर ने बोला है भाई अपना सेहत का ध्यान रखो, लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, कर रही हैं, शुगर कम करो, जंक फूड। तो जिज्जी ने फिर डब्बा, अरे जिज्जी डब्बा तो तुम्हें खाना ही नहीं था, आधे से ज़्यादा कह रही हैं जिज्जी कि मैंने लेबरों को दी है, चाहे लेबर्स ने खाई ना हो, जिज्जी ने रात को टरका दी हो सारी, हाँ लेकिन अब बोलना है तो बोलेंगी। तो जिज्जी कह रही है कि मैंने लेबर को दी है, बाकी चाची को भी दी है और एक दो पीस गलती से, सिर्फ एक दो पीस मैंने खा लिया है। उसके बाद चाय का कप दिखाया जाता है जो कि अपनी मम्मी को दे रही है, मम्मी को दिखाया शाम को आ गई है, मम्मी भी चाय का ब्लू रंग का वो जो कप है, कप प्लेट, आराम से चाय इंजॉय कर रही है। अभी बीच बीच में जो इनका भाई है उसको भी दिखाया गया, पप्पू मामा को, जिसका भी बेचारे का विटामिन D3 और विटामिन B12 है ना कम हो गया है, मतलब सबके विटामिन कम हो रहे हैं, आयरन इनका कम हो गया है, फेरेटिन इनका बढ़ गया है। तो मम्मी को चाय का प्याला देते हुए जिज्जी अच्छा कुछ सामान भी दिखा रही थी, देखो ये है आई थिंक इमली, गुड़ ऐसे लाल आ गया आजकल कैमरे पे दिखाया जाता है, ये है फ्रूट्स, ये है हमारे सारी जो दवाइयाँ वगैरह लाए हैं वो सब दिखा रहे हैं, बाकी कुछ वो जो डेट्स होते हैं वो भी दिखा रही है स्पेशली। और उसके बाद जिज्जी एकदम से आई है
अपने गोल्ड कलर गोल्ड हार चीची ने टॉप्स पहने हैं। अरे ये वही टॉप्स हैं चीची जो आपको ससुराल से मिले थे। वैसे ससुराल से मुझे याद आया आपके रिंग भी गोल्ड कलर की, गोल्ड कलर कह रही हूँ, गोल्ड की एक रिंग भी होगी जो ससुराल से आप यहाँ पे ले आई हूँ, है ना। और आई थिंक मंगलसूत्र भी है या चेन है। और बाकी कान की मम्मी कह रही थी कि तू पहन के रखकर देख कितने अच्छे लग रहे हैं, तो आज जीजी ने पहन लिए हैं। फिर जीजी आई है कि बहुत ही मुझे बहुत टाइम से कुछ चीज़ें निकल निकल के आ रही हैं पीछे से, तो मुझे बहुत लो फील हो रहा है, वैसे ही लाइफ में बहुत मैस हुआ है। अरे भैया इतनी सारी बीमारियाँ निकल गई हैं जीजी की, है ना। वो बात और है, आज के टाइम पे अगर आप ब्लड टेस्ट कराने जाओ तो छोटी छोटी चीज़ें सबकी ही निकलती हैं। फिर जीजी ने बात करना शुरू करा है कि बहुत लो फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मैंने भी उनका वीडियो देखा, अरे जिसको एट द रेट अटैक किया है। और फिर जीजी ने सिर्फ इतना बोला, सिर्फ इतना कि और कितना दुखाओगी, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, जब वक्त आएगा तब मैं बहुत कुछ बोलूँगी और अच्छे से बोलूँगी। अरे भैया आप लोग तैयार रहिए, इन लोगों की स्क्रिप्ट डिसाइड हो गई है, अब कई बहन बहन आपस में लड़ाई होते हुए दिखाएंगी सिर्फ और सिर्फ कैमरे के आगे। एलिगेशन एलिगेशन जैसे चल रहे थे ना, अब यहाँ पे डॉलर कमाने के लिए इस तरह से रिप्लाई रिप्लाई सीरीज आएंगी दोनों बहनों की। उसके बाद जीजी ने कहा कि मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बाकी हेल्थ को लेके जीजी ने बोल दिया कि आज हम लोग आयरन की मेडिसिन, ठीक है, विटामिन B12, विटामिन डी की जो भी चीज़ें हैं वो डॉक्टर ने दी हैं, हम लोग ले आए हैं मेडिसिन वगैरह। और डिटॉक्स वाटर बनाने को बोला उन्होंने सुबह पीने को, स्किम्ड मिल्क बोला है कि बिल्कुल जो उसमें फैट कम होता है बिल्कुल, है ना, वो वाला मिल्क मुझे पीना है। और बहुत सारी बताओ इतनी सारी टेंशन्स के बीच में, है ना, बहुत सारी टेंशन चल रही है, ये सब चीज़ें भी आ गई हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जीजी बोलते हुए दिख रही है कि अपने फेस पे ऐसे हाथ लगाते हुए कह रही थी कि मेरे को फेस भी मेरा मोटा हो गया है, है ना। और बहुत सारा मतलब दुख बोलते हुए कि कुछ लोग कह रहे थे ये मुझे पता है कि मेरा इन्हीं चीज़ों से हुआ है, क्योंकि मेरी ये काफ़ी चीज़ें बड़ी कुछ बढ़ रही हैं कुछ घट रही हैं। और लोग भी बोल रहे थे कि नहीं ये तो होता ही है, मैंने भी टेस्ट कराया था तो दीदी थोड़ा थोड़ा निकलता ही है, कोई प्रॉब्लम वो वाली बात नहीं, अगर हम लोग भी कराएंगे ब्लड टेस्ट, लेकिन अगर अभी आप कंट्रोल कर लोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, मतलब मेरा कहने का ये है। और अच्छे से ज़िंदगी जियो, अपनी लाइफस्टाइल अगर आप जी रहे हो, अपनी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, अपनी जो जो चीज़ों खानों में, खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट करो, ठीक है, और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ। बाकी एक बार अगर आप बेड पकड़ लेते हो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, है ना, फिर आपका भाई, है ना, ये सब चीज़ें करते हुए। फिर जीजी दिखा रही थी ये देखो ये मखाने मैं खाती हूँ, मखाने को दिखाया गया है और लास्ट में डेट्स दिखाई गई हैं कि ये सब चीज़ें खा के हेल्दी हेल्दी मैं रहती हूँ। फिर अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी चाहिए, खुशहाल ज़िंदगी रहे। बाकी गुरदास मान सिंह का कोई स्टेटस इन्होंने आज डाला था इंस्टाग्राम पे, जिसको ये बोल रही थी कि भगवान भी कहते हैं कि जैसे हम लोगों को लगता है कि भाई हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं ये सब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि भाई आगे तेरी ये सब चीज़ें तो अभी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन आगे तेरी बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बस तो अच्छे से खुशहाली से अपनी लाइफ जी और लिव एंड लेट अदर्स लिव। जीजी ने आज ही ज्ञान दिया है दोस्तों लाइफस्टाइल पे, अच्छी लाइफस्टाइल रखो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, रहो खुशी से जियो, अपना ब्लड टेस्ट कराओ, चेकअप करवाओ और लेट अदर्स लिव। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ जीजी ये ज्ञान क्यों देने आ जाते हो, जबकि ये ज्ञान आप खुद तो फॉलो करते नहीं हो। अभी हेल्दी लाइफस्टाइल, शुगर कम खाओगे, आज ही आपने मिठाई का डब्बा दिखा दिया जो आधे से आधा खाली हो चुका था। वो बात और है, कैमरे के आगे जीजी को यही बोलना होगा कि अरे भैया मैंने लेबर्स को दिया, चाहे खुद ही खाए हो। तो फ्रेंड्स ये इनका आज का वीडियो था। बाकी मेरा क्वेश्चन यही है कि जीजी लाइव क्यों नहीं करी और वो तांडव लाइव क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे माइके वाले थे, यहाँ पे बड़कन्नी बहन थी, तो दोनों बहनों ने स्क्रिप्ट लिख ली है दोस्तों। वहाँ पे बड़कन्नी भी कह रही थी ना कि हाँ उसका फ़ोन भी आया था, हम लोगों में बात हुई, लेकिन मैं आपको बताऊँगी नहीं कि क्या बात हुई। वो तो मुझसे ये कहती तूने सीधे एकदम से वीडियो बना दिया और तूने ये बोल दिया कि मैं चैनल दूंगी, कम से कम कुछ बात बात तो कर लेती, अब देख मैं क्या बताऊंगी अपनी वीडियो में आके। बस जीजी ने यही बोला और कितना दुखाओगी, हाँ मतलब। और नीचे कमेंट सेक्शन में भी लोग बोल रहे हैं जीजी इज जेलस ऑफ यू, तो जीजी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। कल की वीडियो में भी बार बार नहीं नहीं कर रही थी, मतलब बड़कन्नी जीजी को कभी कोई कुछ गलत ना बोले, चाहे इनका चैनल छीन लिया जाए, चाहे इन पे ऑन कैमरा इन पे बहुत अत्याचार हो, कोई थप्पड़ भी मार दे, कितना भी इन पे जुल्म होते रहे, लेकिन नहीं, माइके के अत्याचार जीजी लाइव आके नहीं बताएंगी, ना अपनी बड़कन्नी जीजी को कुछ कहेंगी। ऐसे थोड़ी उन्होंने यूट्यूब चैनल खुलवाया भैया, उनकी वो है क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल खुलवाने वाला है उनकी वो मतलब दाता है, परमात्मा है, बड़ी जीजी को कौन कुछ कह देगा। अभी बड़ी जीजी का भी वीडियो आ रहा है दोस्तों 24 घंटे सिर्फ, हाँ
बाकी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि दोनों चैनल बराबर हैं, 7 दिन बाद टर्मिनेट हो जाएगा, मेल आया है, मेल का स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया गया, कितना मतलब लोगों को सी बनाया गया, पागल बनाया गया, चैनल तस का तस वहीं पे है। हाँ, और बड़कन्नी दीद जी ने आज भैया वो पूरी वीडियो में अगारो का जो वैक्यूम क्लीनर है हेल्पर को लेके गई है, हेल्पर से शूट करवाया, भैया हेल्पर प्लस कैमरा पर्सन। हाँ, उसको ये नहीं पता होगा कि इतना ये लोग कमाती है, अपने आधे से ज़्यादा सैलरी तो उस हेल्पर को देनी चाहिए। फिर आके जिज्जी ने इधर सफाई इधर सफाई, मैं सुबह नहा के गई थी, लेकिन मैं फिर से नहाऊंगी। रियली जिज्जी, मतलब सुबह नहा के गई हूँ ये सिर्फ बोलने की बात है, असली तो तुम लोग शाम को ही नहाते हो, लेकिन यहाँ पर ड्रामा करना है ना, मैं सुबह नहा के गई हूँ। फिर भी देखो मेरे को कितनी भी मिट्टी हो, लेकिन मैं एलर्जी, मतलब मेरे को है मिट्टी से एलर्जी, लेकिन मैं अपने घर को बड़ा क्लीन रखती हूँ। बाकी कल जो ये दिखा रही थी, पॉट्स लेकर आई हैं, कैंडल्स वगैरह लेकर आई हैं, वो आज उन्होंने अच्छे से सजा दिया है तो दिखा रही थी। बाकी ओपन स्पेस है यहाँ पे, मैं मिरर लगाऊंगी, ये लगाऊंगी, और एरोप्लेन दिख रहा था, तो जिज्जी कह रही थी मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट बचपन से हो जाती है कि मैं फटाफट एरोप्लेन को शूट करूँ, दिखाऊँ आप लोगों को, वीडियो में कैप्चर करूँ, लेकिन इतनी देर में तो देखो भैया बंद ही हो जाएगा, क्या मतलब वो चला जाएगा, मैं गेट खोलूँगी। फिर जिज्जी ने बड़े आराम से बताया 24 घंटे का टाइम लूँ, और अगर मैं आप लोगों की बात मानूंगी, जैसे आप लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि भाई छुटकन्नी मेरे को चैनल देगी और मैं अपना चैनल डिलीट कर दूँ। बाकी जिज्जी हमें भी पता है, आप कतई अपना चैनल डिलीट ना करोगे, जीरो से शुरुआत नहीं करोगे और ना ही अपना चैनल उसको दोगे। भाई चैनल चैनल की वजह से तो जिज्जी, मतलब आपको याद नहीं है मैंने जैसे पहले बताया था, चैनल छोड़ो, एक सेब नहीं दे सकती वो बच्चे को। और भैया पीछे वो जो उनका हस्बैंड है वो इनको चैनल देने देगा? हाँ, रहने दीजिए जिज्जी, हमको सब पता है इस चैनल के लिए पीछे से कॉपीराइट ना आ जाए, कॉपीराइट स्ट्राइक तो इतना चल रहा है, जन्माष्टमी पे आपने फटाफट वॉइस ओवर कर दिया था ताकि पीछे से आवाज़ ना आ जाए, इतना तो आपको वो है। एक दिन भी छुट्टी नहीं लेती हो जिज्जी और चैनल दोगी, बढ़िया है। तो ये फ्रेंड्स वीडियो, बाकी इस पर डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी, और इनके कमेंट सेक्शन में भर भर के प्यार मिल रहा है, उस पर भी एक वीडियो आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कितना दुखाओगी बस यही टाइटल करके, और बस ये बोल के जिज्जी ने शॉर्ट में ही, अरे भैया स्क्रिप्ट तैयार हो गई है, अब आएंगे टाइटल टाइटल @@ करके एक दूसरे को सुनाने और डॉलर कमाने। आप लोगों को क्या करना है, लाइक करके जरूर जाइएगा। बाय बाय।